जुड़वा बच्चों को जन्म देने और उनमें से एक को खोने और पिता के निधन के चलते अभिनेत्री सेलिना जेटली भावुक हैं और उन्होंने इसे मुश्किल वक्त बताया। दुख में डूबी सेलिना ने कहा, यह सब मुश्किल है। मैं पिता के निधन के बाद खुद पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी। अभिनेत्री के पिता का निधन 2 माह पूर्व हुआ। उन्होंने कहा, इसके बाद हम इन सब से गुजर रहे थे कि मैं कह सकती हूँ कि ब्रह्मांड ने हमारी बाहों को खाली नहीं छोड़ा। इस बारे में बोलना दर्दनाक है। सेलिना ने 30 सितंबर को जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उन्होंने भारी दिल से बताया कि उनके 2 बेटों में से एक दिल की बीमारी के चलते नहीं रहा। अभिनेत्री ने 10 सितंबर को दुबई में आर्थर जेटली हाग और शमशेर जेटली हाग को जन्म दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसी हम योजना बनाते हैं। हमारा बेटा शमशेर जेटली हाग दुनिया की यात्रा पूरी नहीं कर सका। उन्होंने कहा, मैं अपने पिता और बेटे शमशेर को संकेत देना चाहूंगी। पिछले 2 महीने चुनौतीपूर्ण रहे। उन्होंने कहा, अंधेरी सुरंग के आगे रोशनी की किरण होती है जो हम आर्थर के जरिए देखेंगे। शमशेर के लिए गहरी सांत्वना व्यक्त करती हूँ, सेलिना ने कहा। उम्मीद है कि यह दर्द एक दिन खूबसूरत यादों में बदलेगा। तब तक मेरे परिवार को आशीर्वाद दें। पीटर हाग के साथ शादी के बंधन में बंधी 35 वर्षीय अभिनेत्री के 2 5 वर्षीय जुड़वा बेटे विंस्टन और विराज है। पूर्व ब्यूटी क्वीन और मॉडल सेलिना ने वर्ष 2001 में मिस इंडिया खिताब अपने नाम किया था और इसी वर्ष मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में 4थी रनर अप भी रहीं।